आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जुड़ा हुआ है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है भोपाल से। मध्य प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी है भोपाल, जहां पर वो कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर 5 केस चल रहे थे आतंकवाद के, उनमें से 4 में उनको बरी किया गया, लेकिन 1 में अभी भी बरी नहीं किया गया है और वो जमानत पर रिहा की गई हैं। कुछ जगह पर ये अफवाह फैलाई जा रही है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन उनको अभी तक बरी नहीं किया गया, वो जमानत पर छूटी हुई हैं। ऐसे में एक आतंकवादी घटना में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति, जिस पर ये आरोप है कि वो आतंकवादी घटना में सम्मिलित थे, क्योंकि 2008 के जो मालेगांव के ब्लास्ट हुए थे, महाराष्ट्र की एक जगह है मालेगांव, वहाँ पर 2008 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और उन ब्लास्ट में जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था वो बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बाइक थी, जिसकी वजह से उन्हें इसमें आरोपी बनाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे आरोपी को बाकायदा पहले तो कैंडिडेट बनाया गया और उसके बाद उनके इस तरह के बयानात आने शुरू हो गए जो देश को सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम करते हैं। हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलो और उसके बाद चुनाव जीत जाओ और सत्ता पे काबिज हो जाओ, ये पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है हमारे देश में। वैसा ही एक विवादित बयान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिया अभी अपने चुनावी कैंपेन के दौरान बाबरी मस्जिद को लेकर के। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जब इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बाकायदा कहा कि हमें गर्व है कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, उस ढांचे को गिराया गया। इसको लेकर के चुनाव आयोग में शिकायत की गई और अब उस पर चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया है। इस फैसले पर बात करेंगे, लेकिन आपको पहले सुनाते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का वो बयान जो उन्होंने बाबरी मस्जिद के शहीद होने को लेकर के दिया। जब बाबरी की बात आती है, ढांचा गिराने की बात आती है, आप भी शामिल थे, आप कह रहे हैं कि आपको उसका कोई अफसोस है इस बात का, जरा सा चीज का ढांचा जो गिरा उसका? ढांचा गिराने का अफसोस क्यों होगा, ढांचा गिराने का तो पहले तो हम गर्व करते हैं। बिल्कुल कोई इसका वो हमारे प्रभु राम जी के मंदिर पे अपशिष्ट पदार्थ थे, हमने उनको हटा दिए, हम गर्व करते हैं इस बात पे, हमारे देश का स्वाभिमान जागा है। ये थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो भोपाल से कैंडिडेट हैं बाकायदा बीजेपी के टिकट पर। उन्होंने किस तरह का बयान दिया है कि वो उस पर गौरवान्वित फील करती हैं, उनको प्राउड फील होता है कि उन्होंने उस ढांचे को गिराने में मदद की, बाकायदा खुद जाकर के वो ढांचा गिराया। इसको लेकर के चुनाव आयोग में बाकायदा शिकायत की गई थी और अब चुनाव आयोग ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव प्रचार पर 3 दिन का प्रतिबंध लगा दिया है। 3 दिन वो कोई भी चुनावी सभा नहीं कर पाएंगी, कोई इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, किसी तरह की कोई भी राजनीतिक गतिविधि अगले 3 दिन तक नहीं कर पाएंगी। यानी कि आज से वो प्रतिबंध शुरू होता है, आज, कल और परसों, यानी कि 2 मई, 3 मई और 4 मई, ये 3 दिन का ये प्रतिबंध रहेगा बाकायदा। अब सवाल ये उठता है कि क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का सिर्फ इस तरह का 3 दिन का प्रतिबंध लगाना काफ़ी है, या जो व्यक्ति आतंकवादी संगठन, आतंकवादी गतिविधियों का आरोपी हो, क्या उसको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए देश में? सवाल इस चीज़ पर उठता है कि क्या चुनाव आयोग को इस तरह के कैंडिडेट्स को रोकने के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाने चाहिए? मेरे ख्याल से तो होने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जात का हो, इसका धर्म से कोई वो नहीं है, चाहे किसी धर्म किसी जात का हो, यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह का चुनाव लड़ता है तो उस पर एक रिव्यू तो ज़रूर होना चाहिए। बहरहाल 3 दिन का प्रतिबंध लगा दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से, अब 3 दिन बाद ये प्रतिबंध हटाया जाएगा, उसके बाद ही कोई कैंपेन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कर पाएंगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमारी आपसे दरखास्त है इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, @ शहजाद बरनी पर जाकर के आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।